मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे और विधायक जयवर्धन सिंह के भोपाल में मौजूद बंगले पर 14 अगस्त को हुई चोरी की वारदात ने अब नया मोड़ ले लिया है। चोरी की वारदात के बाद दिग्विजय सिंह ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक ट्वीट किया था। अपने इस ट्वीट में दिग्गी ने लिखा था कि जब थाने की पोस्टिंग की बोली लगती है तो यही होगा। आइए पहले आपको ट्वीट दिखाते हैं। अपने इस ट्वीट में दिग्गी ने जो लिखा वो आपकी स्क्रीन पर है। दिग्गी लिखते हैं कि जब थाने की पोस्टिंग की बोली लगती है तो यही होता है। दिग्विजय सिंह ने अपने इस ट्वीट में भोपाल पुलिस कमिश्नर को टैग किया और लिखा कि कमिश्नर भोपाल क्या उम्मीद करें। अब दिग्विजय सिंह जो कि खुद एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अगर वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो खुद सोचिए मामला कितना संगीन है। अगर पूर्व सीएम ही ऐसा आरोप लगाएंगे तो जाहिर है जवाब तो आएगा ही, और जवाब आया भी। खुद दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से रिट्वीट किया गया। पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से ट्वीट में लिखा गया कि थाने की पोस्टिंग की बोली के बयान पूरी तरह से निराधार और दुर्भावनापूर्ण है। जयवर्धन सिंह के शासकीय आवास में हुई चोरी का पुलिस खुलासा कर चुकी है। दरअसल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और संदेहियों से मोबाइल लोकेशन के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी अभी भी हालांकि फरार बताया जा रहा है। चोरी किए गए 15,000 के कैश को पुलिस ने जब्त भी कर लिया है। आरोपियों ने एक दर्जन चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात भी मान ली है। लेकिन दिग्विजय सिंह यहां सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि 15 अगस्त से ठीक पहले 14 अगस्त को विधायक के बंगले में ही अगर चोरी हो रही है तो सोचिए पुलिस के काम पर सवाल उठना तो लाजमी है, क्योंकि जब विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या ही हाल होगा। लेकिन दिग्विजय सिंह और पुलिस कमिश्नर के बीच ये जो ट्वीट ट्वीट का खेल चला, ये अपने आप में शायद पहला मौका है, क्योंकि दिग्विजय सिंह खुद पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री ही अगर जब पुलिस के काम पर इस तरीके से सवाल उठाता है तो ये मामला बेहद संगीन हो जाता है। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।